हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। युवराज, सूर्यास्त हो गया। मुझे खेद है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होगा। हमें शीघ्र बताओ, क्या अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश किया? नहीं महाराज, परंतु किसी भी पल पार्थ अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं, नहीं। और जब सूर्यास्त नहीं हुआ है तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के बदले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। पार्थ, वो देखो सूर्य और वो रहा जयद्रथ, तुम्हारा शत्रु। सूर्य निकल आया। मामा श्री, सूर्यास्त होने में अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। हाँ भांजे, अब अर्जुन का जयद्रथ के पास पहुंचना संभव है। क्या है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। आज्ञा है। सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। अर्जुन, हरे कृपाचार्य जी, सूर्यास्त हो गया। अश्वत्थामा, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया गांधारी, सूर्यास्त हो गया। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हे वासुदेव, मुझे खेद है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होगा। भांजे, बधाई हो भांजे, बधाई हो। तुम्हारी विजय के रास्ते का काटा स्वयं।
चलिए मामाश्री चलिए। शीघ्र बताओ क्या अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश किया? नहीं महाराज, परंतु किसी भी पल पार्थ अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। नहीं सुंदर नरेश, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हे अश्वत्थामा, अब तो संकट टल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे सिंधु नरेश, सेनापति द्रोणाचार्य का यही आदेश है। अरे पर हाँ सिंधु नरेश, जब तक अर्जुन अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाता तब तक आप हम दोनों की सुरक्षा में ही रहेंगे। मैं तो खुशी से बावला हो रहा हूँ और तुम लोग मुझे रोक रहे हो। अर्जुन मेरा वध करना चाहता था वो स्वयं ही मर मिट रहा है, ऐसा दृश्य मैं ना देखूं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अवश्य ही अर्जुन का अग्नि प्रवेश देखूंगा। सिंधु नरेश रुकिए, सिंधु नरेश रुकिए, सिंधु नरेश रुक जाइए, सिंधु नरेश सुनिए, रुकिए सिंधु नरेश। भांजे, अपनी मृत्यु की मृत्यु को देखने सिंधु नरेश भी आ गए। युवराज मामाश्री, ये मुझे मारने चला था, स्वयं ही मर मिट रहा है। नहीं, नहीं, आ जाओ पीछे। मुझे आज्ञा दो केशव। प्रणाम। हे अग्निदेव, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। पार्थ
अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है वो देखो। सूर्यास्त नहीं हुआ है तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के बदले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। पार्थ वो देखो सूर्य और वो रहा जयद्रथ तुम्हारा शत्रु। गांडेव और कर दो इसका वध। परंतु याद रहे जयद्रथ का सर तुम्हें उसके पिता की गोद में गिराना है। अवश्य केशव अवश्य। तो अनहोनी को होनी में बदल दिया। यह सब वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है भीम। हे केशव अपनी कृपा दृष्टि सदा ही मेरे साथ रहने दो।